एक्सक्यूज मी। या ये फर्स्ट ईयर के एडमिशन की लाइन है? यस अंकल, आप अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आए हो? देखो जितना सवाल पूछा उतना जवाब दो, यस और नो? यस। थैंक यू। गुंडा बॉयस, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। ए चिकने, ये क्या है? चिकने, डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अबे शाणे, ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। अपने कॉलेज का डीन है ना, हरामी। हरामी है डीन? हरामी, हरिचंद्र रामचंद्र मिरचंदानी, हरामी। उसको एक खास जगह पे कैंसर हुआ है। कौन सी जगह पे? अबे जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, कैंसर हुआ है। उसके लिए हम लोग सबसे 100-100 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, चल डाल। एक्चुअली दादागिरी है ये, बट डालना चलना। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये गलत है। ए तेरी जेब से लिया क्या उसने? चल अंकल तू भी डाल, चल। ए देखिए आप इनके मुंह मत लगिए, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हाँ मैं नहीं दूंगा, बड़ी मेहनत करके खेती बाड़ी करके मैंने ये पैसे कमाए हैं अपनी बहन की पढ़ाई के लिए, मैं क्यों दूं? चल रे, इसको साइड में लेके खर्चा पानी दे। चल। अरे अंकल को मत मारिए, क्या कर रहे हैं? चल। देखिए मेरी खून पसीने की कमाई है, मैं नहीं दूंगा। कमाई सीने से लगा के रखेगा तो साले गीली हो जाएगी, पसीने की जगह तेरा खून निकालूंगा। पैसे निकाल। बिल्डर साहब, हेलो, ये लीजिए इनके पैसे, मैं देता हूँ, 200 रुपए हैं। डाल डब्बे में, डाल डब्बे में, डाल डब्बे में, डालो डालो डालो। कमाल है, पैसे ले इधर यार। क्या अंकल बोलता है? अंकल बोलता है, नहीं क्या ये तू क्या हंस रहा है बे? ज़बान तो चलती नहीं, हाथ बहुत चलते हैं तेरे। मैंने नहीं इसने बोला था। ए, मैंने क्या कहा? मैंने कब कहा? मैंने तो वही किया जैसा प्लान था यार, मैंने कुछ नहीं कहा यार। खामखा कुछ भी बोलता है यार तू। ए चटदार मेरी यार, दारू के लिए पैसे देना यार। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसी में मुझसे ये सब करवाते हो। कभी केमिस्ट्री लैब का सामान चोरी करवाते हो, कभी असेंबली हॉल के वो पंखे उतरवाते हो। उस दिन मुझे कॉलेज का प्रोफेसर बनाकर उस लड़की का नंबर लेने को कहा, बाद में वही लड़की कॉलेज की प्रोफेसर निकली। आज तक उसकी क्लास में बैठा नहीं हूं मैं, हंसो मत। और उस दिन भिखारी बनाकर कॉलेज के गेट के बाहर बिठा दिया, बोले दारू के पैसे नहीं है, तुम्हारी वजह से पूरी कॉलेज में बदनाम हो गया हूं मैं, हंसो मत। मैंने कहा तू अपना जिगरी है यार, दोस्ती में चलता है यार ये सब। अभी हम लोग तेरी जगह पे होते तो हम लोग भी यही करते है ना, खा के यही करते। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा तो कोई ठिकाना है नहीं, रूम भी मेरा ही इस्तेमाल करते हो। वो तो कॉलेज के डीन हरिचंद्र रामचंद्र मिरचंदानी का मैं होनहार स्टूडेंट हूँ, इसीलिए वो मेरी इज्जत करते हैं, वरना तुम्हारा पता नहीं कभी कॉलेज गए भी थे या नहीं। गए थे कॉलेज? याद नहीं। फिर से काम निकाल रही है, वसूली के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत बोल यार, काफी उधार बाकी है। तुलसी और पार्वती की तरह रो रो के मैंने गाड़ी उधार पे लिया, मालूम है क्या? तू तो, तेरे को तो मालूम है ना कौन है वो। एक काम करते, ये सारे रुपए ले जाकर के वसूली को दे देते, बाकी के बाद में दे देंगे, सिंपल। जोक मारा। इतने दिनों बाद पैसे नजर आए, बोलता वसूली को दे देते। कुछ भी बोल रहा है। वसूली को पैसा देंगे तो खाएंगे क्या? अबे शराब कैसे पियेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो कैसे देंगे? जीना छोड़ दें। ए, चार कटिंग बना और मेरे लिए एक नान खटाई। पैसा? अरे कलर का होता है, उसके ऊपर गांधी जी की फोटो होती है। चल चाय बना। चल चल पैसा दे पैसा। आज तक दिया कभी? नहीं। फिर क्यों मांग रहे? अबे उधार बंद है। तेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया? नहीं। मुंसीपाली का नंबर क्या है? बनाता हूँ। इलायची और अदरक डालना। ललिता,
शर्म कर यार, क्या उम्र है तेरी और तू ललिता पवार को देख रहा है? अबे नीचे नहीं ऊपर देख। ओए ललिता बेबी ओ, बुरी नजर से मत देखो, तुम्हारी भाभी है। कब बनी? तुम लोग रुको मैं बना के आता हूँ। ओए मुझे भी भाभी बनाना है। जाने दे उनको, मौत के कुएं में जा रहे हैं। वो देख वसूली। अरे तूने भाई को बताया नहीं क्या कि भाई संजय दत्त लगता है यार? वही बॉडी, वही फेस कट, वास्तव का टीका। वसूली भाई, मैंने राजू रानी से बात किया, अगली पिक्चर में आपको लॉन्च करा। लेकिन मेरे वो पैसे, करोड़ों की बात करो आप, छुट्टा जमा कर रहे हो, कैसी बातें करते हो यार? बड़ा चीप लगता है यार। वही पर्सनैलिटी आपकी, थोड़ी सी उसकी डायलॉग डिलीवरी अगर आप सीख जाए तो मजा आ जाएगा। डायलॉग जैसे ये सर्किट मेरे को जादू की झप्पी देना। हे सर्किट अपन को भी वो जादू की झप्पी देना। भाई 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 वो होता ना वॉकिंग की स्टाइल वाइल बॉडी वॉडी तो आपकी फर्स्ट क्लास है। वो सिखाओ मैं बताऊँ बताऊँ चले हट हट हट। हाँ ये नहीं हीरो बन के स्टाइल में खड़े रहने का। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप है? ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। हाँ। गौर से देखना। अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? ओए ओए अरे चूना लगा रहा है, पकड़ साले को। ओए माँ मुझे माफ कर देना, मेरा भी बात यार। आंटी मुझे भी माफ कर देना, ये मेरा। आ ए ओ माँ इसे उठा लेना। ए सॉरी माँ इसे भी माफ कर देना। मेरा और एक सालो, मेरे को अकेला छोड़ के आगे तुम लोग तो आ गया ना, मेरे लिए भी बांट। कौन जीत रहा है? मेरा। वसूली ने कमरा देख लिया। वसूली ने कमरा देख लिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अकेले हो? हाँ सर बिल्कुल अकेला। पार्टी पार्टी हो गई? मैं तो पढ़ाई कर रहा था सर, पार्टी नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर स्पेशलिस्ट जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट मुझे बताओ, मुझे कौन सी खास जगह पर कैंसर हुआ है? सर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कैसे बता सकता? शट अप! तुम्हीं लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। गरीब हो चुका हूँ मैं। हंस रहे हो नाला, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों की फीस छीन ली तुम लोगों ने है? सुबह से 500 SMS आ चुके हैं मुझे, जब से उन लोगों को पता चला है मुझे कैंसर हुआ है। 500 SMS आ चुके हैं। सर ये तो खुशी की बात है ना, कितने चाहने वाले आपके। शट अप शट अप। वो मुझे SMS इसलिए कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं उनका कर्जा चुकता करूं। ये सब तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम ही लोगों ने किया है। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर 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 आप तो जानते हैं मेरी माँ ने कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरे लिए। सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छा प्लीज सर। तुम्हारी माँ ने ऐसे ख्वाब देखे हैं? क्या ये सर ह्यूमन रिसर्च? ह्यूमन रिसर्च का सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए मैं इन सब चीजों पे थीसिस कर रहा हूं सर। दैट्स इट। ये ह्यूमन रिसर्च है सर? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस लिख रहे हो तुम? ये असली फोटो? नहीं 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 सर, वो दीवारों पर लिखा जाए इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ्स। इसमें और कुछ नहीं है सर।
दूसरा कुछ चिपका दे बेटा। सर और कुछ मिला नहीं सर वो। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर, प्लीज। बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सर नहीं नहीं सर। हे चोर। सर पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ नहीं है। सर यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो। ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो? हैं? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? दस साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो। सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना, छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे। पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी। सर ये देखो, ऐसा एसी लाया हूँ कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूँ मैं। आप सर सर ये बोल रहा है ए, हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे आया और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ 10 साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट, गेट आउट। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। गेट आउट। नहीं। Thank you.